हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारा रिसर्च फील्ड से बिलोंग करता है। तो रिसर्च में आप चाहे फार्मास्यूटिकल रिसर्च की बात करें, मेडिकल रिसर्च की बात करें, लाइफ साइंस की बात करें या फिर कोई लिटरेचर की बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो हम बात करेंगे, अगर आप मास्टर्स में हो, पीएचडी कर रहे हो या फिर किसी भी फील्ड से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपने रिसर्च की अपना जो आपका प्रोजेक्ट है, अपना थीसिस है, उसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हो या फिर कोई आप प्रोजेक्ट रन करने जा रहे हो, तो उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सर्वे ऑफ लिटरेचर। मतलब लिटरेचर सर्वे की हमें रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है कि जो हम करने जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है जो हमारी रिसर्च होने जा रही है कि वो पहले से मतलब पब्लिश्ड हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा गोल ये होता है कि जो हम करने जा रहे हैं पहले से पब्लिश्ड ना हो, कुछ हम यूनिक करें अपने प्रोजेक्ट में, कुछ हम नोवेलिटी दिखाएं, ठीक है। सिंपल सा पर्पज है हमारा कि कुछ हमारे प्रोजेक्ट में नोवेलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हम करते हैं लिटरेचर सर्वे। अब लिटरेचर सर्वे तो हम करेंगे, बट करेंगे कैसे? अब प्रॉब्लम आती है कि हम लिटरेचर सर्वे अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे जाएंगे, ठीक है, सर्च बार पे जाएंगे। अब आप सर्च बार पे गए, वहाँ पे सर्च करना चालू कर दिया, अपने टाइटल से रिलेटेड, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद जब आप खोलते हो तो उस पेपर में, उस रिसर्च पेपर में, आपके बुक्स में, एब्स्ट्रैक्ट में एक चीज़ होती है DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। एक यूनिक नंबर होती है किसी भी पेपर की, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो करता है आपका पब्लिशर, ठीक है। किसी भी पेपर पढ़ने के लिए आप लिटरेचर सर्वे करने जा रहे हो तो अल्टीमेटली आपको पेपर रीड करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तो उस पेपर में होता है DOI, ठीक है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर वो पेपर आपका, अगर वो रिसर्च अगर बिलोंग कर रही है पबमेड इंडेक्सिंग, ठीक है, तो उसकी जगह पे हो सकता है आपका PMID नंबर, पबमेड इंडेक्सिंग आईडी नंबर, ठीक है। अगर वो पबमेड के अलावा है, आपकी एल्सवेयर में है, स्कोपस में है या फिर आपका स्प्रिंगर नेचर में है, बैंथम में है, तो वहाँ पे आपका मोस्ट प्रोबेबली जो होती है DOI नंबर। DOI आपको मिल जाएगी, ठीक है, एक यूनिक कोड होता है। अगर आपको DOI नंबर किसी पेपर की मिल गई है तो आप इजीली उसको ओपन कर सकते हो, अपने सर्च बार में डालोगे टाइटल, DOI नंबर मिल जाएगा और उसके बाद आप सर्च कर सकते हो, बिल्कुल इजीली एक्सेस हो जाता है। अगर किसी पेपर में DOI नंबर नहीं है तो मोस्ट ऑफ द केस हम टाइटल डाल के भी सर्च कर सकते हैं, अवेलेबल हो जाएगा, या फिर हम URL जो हम अब सर्च करते हैं सर्च बार पे और उस पे आ जाता है हमारे गूगल पे सर्च बार, तो आपके पास DOI नंबर है तब भी ओपन कर सकते हो, पबमेड आईडी है, PMID है तब भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी नहीं है आपके पास टाइटल है तो यू कैन आल्सो सर्च, या फिर आपके पास URL है, URL कॉपी करके आप सर्च कर सकते हो उसे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा सोर्स है DOI नंबर, ठीक है। अगर आपको रिसर्च से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर विजिट।